गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ, मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी मनाली से। मनाली को वैसे हो चुका है टाइम बाय बाय कहने का। हमने चेकआउट भी कर दिया है रूम, हम रूम से बाहर निकलने वाले हैं। गाड़ी में सारा सामान डाल दिया है भाई, काफी भारी भारी बैग थे, मैं थक भी गया हूँ थोड़ा बहुत। अरे अरे, अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया, कुछ भी नहीं किया, रास्ते में करेंगे मस्त। और अभी ना पास में नदी है, नदी के पास भी चलते हैं, राउंड मार के आते हैं। नदी दिखाता हूँ आपको, काफी मस्त सा माहौल है। वैसे अगर देखा जाए ना, अभी बेस्ट टाइम आने का, थोड़े बहुत दिनों में ना यहाँ पे स्नोफॉल होने वाली है। अगर कोई आना चाह रहा हो तो मनाली आ जाओ भाई, बेस्ट टाइम है। अभी स्नोफॉल देखने को मिलेगी आपको, फ्रेश फ्रेश मजा आ जाएगा काफी ज्यादा। तो भाई सामान वामान उठा लिया है, गाड़ी के अंदर चलते हैं सीधा, गाड़ी में बैठते हैं और आपको एक्सप्लोर करा लेके चलते हैं। तो भाई चलते हैं नदी के पास, आपको नदी दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत दिख रही है यहाँ से। ब्यास नदी हमारे प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में थी भाई। देखिए प्रॉपर्टी ये भी काफी अच्छी थी, पर मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको यहाँ पे आने के लिए, जब तक मुझे बिल्कुल वैसा वाला अच्छा नहीं लग रहा बहुत बढ़िया वाला तब तक। बाकी वो रही नदी, चलते हैं वहां पे, काफी ज्यादा मस्त दिख रही है यहाँ से। वैसे तो हमने सारी सामान पैक कर दिया, पर मेन आइटम भूल चुके थे भाई, वो है लड्डू। मम्मी ने लड्डू बना के भेजे थे, ये लड्डू रह गए यहाँ पे, लड्डू लेके चलते हैं भाई। तो गाड़ी अपनी यही हमने पार्क कर दी है, पैदल पैदल चल रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर है नदी, काफी मस्त है। वैसे यहाँ पे ना सारे कैंपिंग साइट्स हैं, क्योंकि ये जो एरिया बिल्कुल खुला खुला सा है। बाकी अपन वैसे ज्यादा मस्त मस्त कैंपिंग में रुके हुए हैं, ये इतनी मस्त नहीं है भाई। बाकी ये देखो भाई नदी का व्यू काफी मस्त है। मनीष कैसी जगह ये? वैसे हम दो दिन हो गए यहाँ पे आते हुए, लेकिन हम नदी के पास नहीं आ रहे थे, ठंड इतनी है ना भाई, नदी के पास आने से डर लग रहा था। लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर ला के डाले ताकि नदी का बहाव इस तरफ ना आए, इनकी प्रॉपर्टीज बच जाए भाई किसी तरीके से, इस रीज़न से जो मुझे लगता है, क्योंकि नदी का बहाव बढ़ता है हर साल बरसातों में, और बहाव बढ़ने के बाद ये काफ़ी नुकसान करती है लोगों का भाई। बाकी नदी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। भाई देवी जो ब्रिज दिख रहा है ना, इससे ही हम आते हैं रोज, काफी मस्त सा ब्रिज है, हिलता डुलता जब गाड़ी चढ़ाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही ब्रिज है जैसे हम पहले मनाली रहा करते थे ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ब्रिज हुआ करता था जब पिछले साल हम रहा करते थे, तो वैसे ही ये सेम ब्रिज है। तभी इसी ब्रिज से मुझे यादें भी ताज़ा हो जाती है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है जैसे हम पहले ओल्ड मनाली में सारे भाई रुका करते थे। चलो भाई चलते हैं, भूख बड़ी जोरों शोरों से लगी हुई है। बाकी मनीत का फोटो खिंचाने का भी कोई मन नहीं, पहले लग रही मेरी पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो भाई पहले कुछ खा ले चलते हैं। बाय द वे एडवेंचर करने के लिए ये सब जगह भी बना रखी है, इसके ऊपर चढ़ के एडवेंचर कर सकते हो भाई, मस्त। ये रस्सी के ऊपर चल के इस तरफ जाना है, फिर ये पतले पतले से बार्ज है इनसे क्रॉस करना है, फिर ये रस्सी से इस तरफ क्रॉस करना है, काफी मस्त सा बना हुआ है। और ये ब्रिज है पूरा, मैं तो कर लूंगा, मुझे ये सब करने में मजा भी आता है। सो आ चुके हैं प्रॉपर्टी के बाहर, थोड़ी सी यहाँ चढ़ाई पड़ती है बस पुल पे जाने के लिए, बाकी सारा मस्त है रास्ता यार प्रॉपर्टी तक पहुंचने का। इस ब्रिज का एक सीन है, एट अ टाइम एक ही हाथ गाड़ी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं भाई। अगर ज्यादा गाड़ी जाएगी तो ब्रिज का गिरने का डर रहता है। ये देखो कितना जोर से हम पड़ता ना यहाँ पे, यह लगता गाड़ी नीचे गिर गई, पर अभी नहीं लेके जा रहे हैं हम, अभी यहाँ साइड में खड़ी कर दे रहे हैं ताकि उस तरफ से गाड़ी ना आए कोई और हम आराम से निकल जाए, क्योंकि हमारे पीछे भी जगह नहीं है, अगर हम पीछे लेंगे तो लेंगे कहाँ पर, वैसे तो उधर से कोई गाड़ी आ नहीं रही है। बाकी ये ब्रिज बड़ी जोर जोर से हिलता है जब भी गाड़ी इससे निकलती है तो। आ आ आ आ आ आई आई उतर गई ब्रिज पे, हाँ उतर गई। अब देखो ब्रिज हिल रहा होगा कल का, ओहो। बाकी ये ब्रिज बहुत मजबूत है, बाकी हिलने की वजह से थोड़ा डर लगता है, बाकी सब ठीक है, एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी बाइकें वाइकें चलाने में तो इस पे काफी मजा आता है ब्रिज पे। अरे भाई ये सामने गाड़ी क्यों ले आए वापस, आई ये कर क्या रहा है, ये गाड़ी तो अभी लेके गए थे जस्ट यहाँ से, ये फिर वापस ले आए। मेरे ख्याल से उन्हें कोई दिक्कत आ रही होगी गाड़ी ले आने में।
तो आराम से उतार लिए ब्रिज से भाई। अब देखते हैं कहीं ना कहीं पास में कोई बढ़िया सा कुछ खाने का रेस्टोरेंट जहाँ पे मस्त सा खाना खा पाए। बाकी व्यू एक नंबर है भाई मनाली का, चाहे कितना भी कुछ करो मस्त। यहाँ जितना मर्जी आओ कमी है भाई, कुछ ना कुछ नया देखने का जरूर मिलता है। इतनी सारी जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी अगर सर्दियाँ की जगह गर्मी होती ना तो मैं पक्का इस वक्त पैराग्लाइडिंग करता, मजा काफी आता पैराग्लाइडिंग में। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए रह गया, मनीत के साथ पैराग्लाइडिंग करने जाएंगे पक्का, ठीक है। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, वे छुप जाए पल दो पल। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल। लगभग कम से कम 50 ढाबे क्रॉस कर दिए होंगे भाई, लेकिन किसी के पास भी राजमा चावल कड़ी चावल नहीं मिल रहा है। पर अपन को एक अपना फेवरेट चीज़ मिल चुकी है, सिड्डू, जो अभी तक मनीत ने भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया, तो सिड्डू खाते हैं मस्त यहाँ पर। और लोकल सिड्डू मिला है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है, फर्स्ट टाइम इतना सिड्डू, चलो इसे टेस्ट कराते हैं। सो बेसिकली हम जा रुके हैं कुल्लू के पास है और यहाँ बिल्कुल लोकल फूड मिल रहा है। और ये सिड्डू है भाई, सिड्डू की कॉस्ट सिर्फ 50 रुपीज़ है। और घी देख रहे हो कितना सारा है, इतना ना मनाली रोड पे भी नहीं मिलता, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और चाय भी आ चुकी है मस्त सी, हाँ चाय मस्त बनी हुई कड़क, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। सिड्डू खिला के देखते हैं इसे कैसा लगता है, इसे फर्स्ट टाइम खाने वाली है। वैसे मैंने सिड्डू बहुत खाया पर इतना देसी घी तो मज़ा दे देगा, हल्का सा देसी घी डिप कर। और ये रही चटनी, चटनी लगा अब खा ले सीधा मुंह के अंदर ले। ये कैसा लग रहा है, अच्छा है, ब्रेड का टेक्सचर है। अभी तेरे मुंह में ना अखरोट नहीं आया, इसके बीच वाला पोर्शन खाएगी ना, सेंटर वाला खाएगी तो अखरोट आएंगे, ये अगर बीच वाला लेगी तो। चटनी काफ़ी अच्छी है, तो ये मोमोज की चटनी होती है, अच्छी होती है भाई। सो बेसिकली मनाली से चल के जैसे आप कुल्लू के पास आओगे ना तो ये जगह पड़ेगी डोबी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी सिड्डू मिलते हैं और बेस्ट इनकी चटनी है, खा के ज़रूर जाना। ये बोर्ड मिलेगा आपको, दीदी बहुत मस्त खिलाती है और बहुत प्यार से खिलाती है, चाय भी बड़ी प्यारी थी भाई। तो पी के ज़रूर जाना और खा के ज़रूर जाना यहाँ से। अपन चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठते हैं, थोड़ा सा दूर अपन को कड़ी चावल मिल जाएंगे मस्त, वहाँ जाए कड़ी चावल खाएंगे। और एक बात और मैंने तो चटनी पैक भी करवाई है चटनी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी भाई, पर इसका मोमोज खाने का मन था तो इसने मोमोज के लिए चटनी पैक करा दी है। चलो भाई अब चलते हैं, अब सीधा भुंतर के पास जाके रुकेंगे, वहाँ पे एक दीदी और है जो मस्त खाना खिलाती हैं, राजमा चावल, कढ़ी चावल और भाई बढ़िया बढ़िया वहाँ मोमोज भी मिल जाते हैं, फजल में रेस्टोरेंट है। चलो
चुका है अपने पास कड़ी, मेरी फेवरेट। हम पहुंच चुके हैं बुंदर के बिल्कुल पास, और बुंदर के पास मेरे फेवरेट कड़ी चावल मिलते हैं। मैं खा रहा हूँ भाई कड़ी चावल, मनीत खा रही है राजमा चावल, खाते हैं भाई मस्त, और फिर आगे राइड कंटिन्यू करते हैं। भाई पेट इतना फट रहा था सिड्डू खाने के बाद, खाना खाया नहीं जा रहा था, लेकिन मन में इच्छा थी भाई खाने हैं कड़ी चावल खाने हैं, तो कड़ी चावल खाया बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं यहाँ से अपने फेवरेट भैया के पास, रोहित भैया के पास, जो कसौल में रहते हैं, उनका खुद का वहाँ पे बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है। चलते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ अपना स्टे है आज का, मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था, आने वाले हैं वहाँ पे, तो बढ़िया वहाँ मज़े मज़े करेंगे। उनका इन हाउस में ही वो भी है कैफ़े वैफे, मस्त कैफ़े का एक्सपीरियंस लेंगे और वहीं स्टे करेंगे आज। तो ये हम एंटर कर चुके हैं कसौल के साइड में भाई, और कसौल के साइड जैसे ही आप एंटर करोगे सबसे ज्यादा खतरनाक पहाड़ियां और सबसे ज्यादा खतरनाक रोड इसी एरिया में नजर आती है भाई। यहाँ बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, ऊपर से पत्थरों का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस सामने से गाड़ी का भी। बाकी वहां पहुंचने से पहले अपन को थोड़ा बड़ा सामान लेना है, जैसे हेयर ऑयल हो गया और MCL लेनी है, प्लस एक दो चीज़ें और लेनी है जो रास्ते से लेते हुए चलेंगे भाई। कसौल में भी ट्रैफिक लगा हुआ है, पर मैं आपको ये बता दूं ये ट्रैफिक उस चीज़ का है, बेसिकली यहाँ की रोड टूटी हुई है और मुझे लगता है वो अभी तक रिपेयर नहीं हुई होंगी, उसी वजह से ये ट्रैफिक है। कसौल के अंदर टूरिज्म थोड़ा कम है बाकी जगहों से, इस वजह से यहाँ की रोड जल्दी रिपेयर भी नहीं की जाती है, प्लस क्या है ना यहाँ रोड रिपेयर करके फायदा भी नहीं, बहुत जल्दी फिर से टूट भी जाती है। पूरा लंबा लंबा ट्रैफिक है भाई, देख सकते हैं कसौल में गंदा वाला, कई किलोमीटर का ट्रैफिक है। बाकी देखते हैं यार क्या सीन रहता है, ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है, पर अपन पहुँच जाएँ जल्दी से जल्दी ताकि हम वहाँ जाके रिलैक्स कर पाए भाई। तो जो आप पीछे वाली रोड देख रहे हो भाई, मतलब ये वाली रोड सारी पीछे, इस पे ना एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था, ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे आ गया था, तो ये रोड खत्म हो गई थी उस टाइम पीरियड में, पता कि यहाँ से एक GCV भी पलट गई थी, और अभी काफी अच्छी हो चुकी है रोड, लेकिन उस तरीके से रिपेयर नहीं हुई जैसी पहले थी, क्योंकि कच्ची की कच्ची है। और सीन ये रहता है यार यहाँ पे रोड टूटती बहुत जल्दी है और बनने में बहुत टाइम लेती है कसौल की तरफ, और वैसे भी रोड बहुत छोटी है अगर आप नोटिस करोगे तो, सिंगल गाड़ी की रोड है ये, अगर दो गाड़ियां आमने सामने आएंगी बड़ी बड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे दो ट्रक होगा आमने सामने आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हो जाता है, फिर दबा के लगाना पड़ता है पहले एक ट्रक, फिर दूसरा ट्रक को पास करना पड़ता है। बाकी यार अपन को ना इस बार कार से ट्रिप भी करने में काफी ज्यादा मजा आया, देखते हैं अपन और भी किस किस जगह पे ले जा सकते हैं रेड्स को, रेड्स से सच्ची मजा काफी आ रहा है, इसे और बनवा देंगे आगे से, बाहर से भी मॉडिफाई करवा देंगे, थोड़ा बहुत स्टिकर्स विकर्स लगवाएंगे बढ़िया वाले, अपना मॉडिफिकेशन करवाएंगे और फिर इसको भी लेके जाया करेंगे आगे ट्रिप पे कोई ना कोई जगहों पे। बाकी मैं धन्नो को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, उसका भी मजा अलग है। खैर पहुंच चुके हैं जेरी की मार्केट में भाई, ये मेरी फेवरेट मार्केट है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है भाई कसौल वाली रोड पे, यहाँ से सामान लेते हैं अपना पसंद का और फिर आगे चलते हैं भाई, पास में ही है वैसे, पास में ही जहाँ पे अपने भैया है रोहित भाई, तो थोड़ा सामान लेते हैं और निकलते हैं। सो ये मिल चुका है अपने को बेसिक सामान, चलते हैं भाई लेके। सो निकल चुके हैं जेरी से भाई, और थोड़ी सी दूर पे ही है कसौल, और कसौल से आगे पड़ता है मनीकरण। जेरी एक लास्ट स्टेशन है जहाँ पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल मिल जाएगी, इवन जेरी में ही पेट्रोल पंप भी मिल जाता है जहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हो जेरी से,
और इसके आगे ना आपको मतलब वैसे तो सारी चीजें मिल भी जाती हैं आगे भी, लेकिन यहाँ पे सारे रीजनेबल रेट्स होंगे। बाकी कसौल में खाना पीना महंगा होता है, पर तब भी वहाँ रहने का मजा अलग होता है, वहाँ के कैफेज अच्छे होते हैं भाई। बाकी ध्यान से बैठना भाई, कुछ खतरनाक कैफे भी होते हैं वहाँ पे। बाकी अपने तो मिलने वाले भैया हैं, उनका कैफे मस्त है, वहीं जाके अपन स्टे करने वाले हैं। फाइनली अपन पहुंच चुके हैं कसौल। कार तो मैंने अभी बाहर ही खड़ी कर दी है भाई, वैसे तो नीचे पार्किंग भी है बड़ी। चलते हैं अपने रोहित भाई के पास, सामान वामान बाद में निकाल लेंगे। अभी नदी का व्यू काफी ज्यादा मस्त आ रहा है भाई, यहाँ से पूरा रिजॉर्ट दिखाता हूँ, काफी मस्त है। वैसे अगर आपने जून जुलाई की वीडियोस देखी होंगे तो अपन यहाँ पे भी स्टे करके गए थे, ये जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी भाई। सो ये देखो यहाँ से पूरा ऊपर से व्यू, वो पीछे नदी बह रही है भाई, काफी मस्त नजर आ रही है। बीच में डीजे सेटअप है और वो उधर दो कैफेज हैं अलग अलग, मस्त है भाई पूरा ये। चलते नीचे की तरफ, तुझे कैसा लग रहा है? मस्त है। सो ये है पूरी पार्किंग, यहाँ पे कार आराम से पार्क हो जाती है भाई। सो माहौल तो अभी काफी ज्यादा मस्त बना हुआ है भाई यहाँ पे। लाइटिंग वाइटिंग काफी ज्यादा लग चुकी है भाई, जो हम पिछली बार आए थे उससे कहीं गुना ज्यादा है इस वक्त। सो कैफे ज्यादा मस्त लग रहा है इसे। कैसा है? और ये जगह देख के पहचान गई, क्योंकि यहाँ पे मैंने रील्स बनाई थी तो काफी मस्त थी। आज उधर से व्यू दिखाता हूँ, मस्त व्यू है, पूरी नदी नजर आती है भाई। और अपने साथ रोहित भाई भी आ चुके हैं, अब तो बनाऊ। तो ये रहे अपने साथ रोहित भाई, आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं, एडवेंचर बहुत कराते हैं, पर अपने पास अभी टाइम कम है एडवेंचर करने के लिए, पर अपन मज़े मारने के लिए आए हुए हैं भाई के पास। पूरे मज़े करवाएंगे बिल्कुल। सो गाड़ी के पास आ चुके हैं सामान निकालने के लिए भाई, सामान निकालते हैं लेके चलते नीचे। सो बैग भरना आसान है, लेकर आना बहुत मुश्किल है भाई। वहाँ भैया भी लेके खड़े हैं और यहाँ मैं भी लेके खड़ा हूँ, हालत ख़राब हो चुकी है भाई सच्ची। चलते जाके रूम में डालते हैं इसे। सो जस्ट अभी मैं वापस लौटा हूँ भाई, और अभी अभी जैसे ही मैं नीचे आया हूँ तब मनीत तेरा ये कह रहा है भाई मेरी स्लीपर्स भूल गए। मैंने बोला भाई अब नहीं जाता मैं ऊपर वापस लेने स्लीपर्स, यहाँ कोई लिफ्ट तो है नहीं, मैं डाल के उसके अंदर जल्दी जल्दी चढ़ जाऊँ ऊपर और फिर जल्दी जल्दी आ जाऊँ, चढ़ के जाना पड़ता है भाई। और तेरा बैग, और तेरा बैग बहुत भारी है सच्ची, और बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स। मेरा भारी है, दो रियल बात है, मेरा बैग ज़्यादा भारी है क्योंकि बड़ा भी। मैं एक ही बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस एक ही बार पहन रहा हूँ बस। तुम रिपीट नहीं करो, मैं इवन जैकेट्स भी रिपीट नहीं करता हूँ। कपड़े बहुत सारे लेके आया हूँ मैं पहले से प्रिपेयर था कि इस बार मैंने खुल के अपने ट्रिप पे ना कपड़े वपड़े पहने ढंग से, फोटोज वोटो खिंचानी है। बेचारी कोई नहीं, भी तो बहुत सारी लाइफ में ट्रिप्स आनी है। बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं कि अपन ना टू व्हीलर पे ट्रिप करेंगे दोनों एक साथ, फिर देखेंगे। और फिर मेरा एक और प्लान है कि थोड़ा धीमे धीमे ना इसे टू व्हीलर सिखानी है, फिर हम दोनों टू व्हीलर पे अलग अलग ट्रैवल करेंगे मजे से। yes. आपको अच्छी तरीके एक्सप्लोर कराएंगे बढ़िया तरीके से। सो रोहित भाई ने एक सरप्राइज दिया है मुझे, और मैंने तो देख लिया अंदर, लेकिन मनीत ने अभी नहीं देखा, मनीत को दिखाते हैं। चलो भाई चलो चलो दिखाते हैं आपको। मस्त है ना? Nice surprise. काफी बढ़िया है ना? थैंक यू बोलो रोहित भाई को। वैसे रोहित भाई का आज बर्थडे भी है तो विश कर देना आप सारे जितने लोग ये देख रहे हो, ठीक है? बाकी काफी ज्यादा मस्त से प्लेस है, अगर आपको स्टे करने का मन करे तो ये बहुत बेस्ट है। बेस्ट पता है क्या है इस जगह का, यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत हेल्पफुल है, तो आप कभी भी किसी चीज के लिए बोलोगे किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, किसी भी टाइप की कोई भी चीज होगी जैसे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस में जरूरत पड़ेगी भाई। बाकी ये मस्त था भाई सरप्राइज। हाँ सो प्रॉपर्टी काफी मस्त है, और रोहित भाई का आज बर्थडे भी है, एक और बार हैप्पी बर्थडे रोहित भाई, वैसे तो मैं विश कर चुका था। और अगर आप लोगों का आना हो तो आप डायरेक्टली मेरे बिहाफ से आ सकते हो अर्शदीप ब्लॉग्स बोल के भैया के पास, अगर भैया नहीं भी होंगे कोई भी होगा तो आप उनसे भी डायरेक्ट रिसेप्शन पे बोल सकते हो, और 10% का डिस्काउंट ले सकते हो यहाँ पे स्टे का। काफी ज्यादा मस्त जगह है, कपल्स के लिए तो दी बेस्ट है भाई, काफी ज्यादा बढ़िया। बाकी प्रॉपर्टी में बहुत सारे रूम्स हैं, ज्यादातर यहाँ पे ना लोग ग्रुप्स में आते हैं, और अगर ग्रुप्स पे भी आना चाहो तो आ सकते हो आप अपना पूरा ग्रुप लेके। यहाँ पे काफी बड़ा एरिया है, बहुत ज्यादा मजा आता है। इन हाउस में ही क्लब है, इन हाउस में ही दो रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ बैठने का मन करे वहाँ बैठ सकते हो, और खाना वाना इन हाउस में सब कुछ है भाई, काफी मस्त। मतलब ये समझ लो यहाँ आ गए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपको बाइक रेंटल पे चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक्स टू जेड कुछ भी चीज में बोल रहा हूँ ट्रैवल लॉन्च के लिए, तो ये सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट चीज ये है। सो रात का टाइम हो रहा है लगभग 9 बजे का, और डीजे सेटअप लग चुका है भाई, काफी ज्यादा मस्त वाइब्स आ रही है यहाँ पे, काफी सारे लोग आ चुके हैं, और अभी एक सिंगल बस आई है तो इतना क्राउड है,
थोड़ा मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। यहाँ कुछ लोग बॉनफायर के साथ बैठे हुए हैं तो कुछ लोग अंदर खाना खाने के लिए हैं। अभी इससे डबल क्राउड आने वाला है और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। डीजे प्ले हो जाएगा तो सारे लोग डांस करने के लिए आएंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा भाई क्योंकि गाने चालू हो जाएंगे तो फिर वो कॉपीराइट आएगा, इसलिए बजाओ बजाओ। तो ये रोहित भाई के लिए सरप्राइज तैयार हो रहा है भाई। यहाँ पे सारी सजावट चालू हो चुकी है, बलून वलून लगा रहे हैं और हैप्पी बर्थडे का टैग लगाने वाले हैं यहाँ पे। 12 बजे रोहित भाई का बर्थडे ना इसलिए, और ये रैंडमली मैं यहाँ पहुँचा हूँ भाई। काफ़ी ज़्यादा मस्त पार्टी होने वाली है थोड़ी बहुत और देर में, पर मैं वीडियो में पूरी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा आपको, बाकी कल देखेंगे। सो भाई रात के 12 बजे के आसपास रोहित भैया का केक कटेगा, तो रात के 12 बजे वाला जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखना भाई। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, सोने जा रही है भाई मनीत और मैं जा रहा हूँ बाहर पार्टी के लिए मस्तियाँ करने सारे भाइयों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, लाइक करके जरूर जाना, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ कमेंट करके जाना तो बनता है भाई। काफ़ी ज़्यादा मजा आया और एडवेंचर कैंप पे एक्सप्लोर करना आना आपका लोगों का बनता है भाई, जरूर आना भाई। बाय बाय कसौल एडवेंचर कैंप।